क्या आप जानते हैं अजमेर में महादेव का एक शिवालय ऐसा भी है जहां भक्त अपनी दुख परेशानियों से निदान और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अर्जी देते हैं। जी हाँ, नित्य पूजा के बाद यहाँ आए भक्तों की अर्जियों को मंदिर में भगवान शिव को पढ़कर सुनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पढ़ी गई अर्जी पर सुनवाई जरूर होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा मंदिर है, आइए बताती हूँ। पुष्कर रोड स्थित आयुर्वेद विभाग की राजकीय रसायन शाला परिसर के पीछे की ओर नए मंदिर में प्राचीन और अद्भुत शिवलिंग विराजमान है। मुख्य सड़क में 125 मीटर अंदर की ओर मंदिर होने के कारण ज्यादा लोगों को मंदिर के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने यहाँ मान्यता के अनुसार अपनी मन्नत कागज पर लिखकर अर्जी लगाई है, उसका रिश्ता मंदिर से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है। अर्जी वाले महादेव के नाम से विख्यात इस मंदिर में लोगों की गहरी आस्था है। मंदिर में विराजे शिवलिंग रसायन शाला की भूमि पर पहले से है। बताया जाता है कि शिवलिंग 150 वर्ष पुराना है, लेकिन इस शिवलिंग की स्थापना किसने की ये कोई नहीं जानता। मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि 40 साल पहले रसायन शाला के पीछे पुराना जर्जर मंदिर था, जिसकी वर्षों से कभी सफाई नहीं हुई थी और न ही पूजा होती थी। रसायन शाला के एक कर्मचारी ने पहली बार जब मंदिर को देखा, उनके मन में मंदिर की हो रही दुर्दशा को ठीक करने का भाव आया। बताया जाता है कि उस रात ही उन्हें मंदिर की सफाई करने और पूजा अर्चना करने का सपना आया। उस दिन से मंदिर में पूजा अर्चना होने लगी। धीरे धीरे और भी लोग जुड़ते गए और मंदिर का जीर्णोद्धार होता गया। मंदिर में भक्त हर तरह के सहयोग करने को हमेशा तैयार रहते हैं। खास बात यह है कि मंदिर में किसी भी तरह का कोई चढ़ावा नहीं लिया जाता है। भक्त आते हैं और अपनी मन्नत अर्जी की शक्ल में यहाँ छोड़ जाते हैं और सोमवार को महादेव की विधिवत पूजा अर्चना एवं श्रृंगार करने और भोग लगाने के बाद अर्जियों को शिवलिंग के सामने पढ़ा जाता है। निश्चित रूप से अर्जी रखने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है। हर सोमवार को काफी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। सावन महीने में रोजाना श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। साथ ही कहते हैं कि मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था गहरी है। जाहिर है, अर्जी वाले बाबा के दरबार में सबकी अर्जी पर सुनवाई होती है और श्रद्धालुओं को भगवान शिव की कृपा मिलती है। तो इस सावन अजमेर के इस शिवालय में जरूर अर्जी लगाएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैथिली तमिश्री, धन्यवाद।